व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करूंगा जिसमें आप मिनिमम टाइम में एक बहुत अच्छा रिटर्न जोन से हासिल कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज राणा बिलाल अहमद फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म के जरिए से आपको रियल इस्टेट के मुतालिक किसी भी प्रोजेक्ट के मुतालिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इसलिए आज मैं जिस टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए से और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए से, लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए से। इसी सिलसिले में आज मैं आपकी खिदमत में जिस टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ उसका नाम है DHA Phase 3 न्यू रावलपिंडी। व्यूअर्स, ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू और लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये मेन GT रोड पे गीगा मॉल से तकरीबन 15 मिनट के डिस्टेंस पर जोन सा लोकेटेड है। इसकी जो एक एंट्रेंस है वो बैरियर टाउन के बिल्कुल साथ है और इसकी जो सेकंड मेन एंट्रेंस है वो गीगा मॉल से तकरीबन 15 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर है। और अगर हम इसके ब्लॉक्स की बात करें तो इसमें A, B, C, D और E ब्लॉक हैं, जिसमें ए और बी जोन से हैं ये मुकम्मल तौर पर डेवलप ब्लॉक हैं। इसमें अगर प्राइसेस की बात करें तो इसमें 5 मरला जोन सा है वो तकरीबन 80-85 की रेंज में आपको डेवलप मिल जाएगा, और अगर 8 मरला की बात करें तो वो 1 करोड़ 15 से 1 करोड़ 20 की ब्रैकेट में आपको मिलेगा। व्यूअर्स, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखें तो सबसे पहले लोगों का इंटरेस्ट DHA और सेकेंड जोन सा आता है वो बहरिया टाउन के ऊपर आता है। तो ये अभी जो सोसाइटी है इसके कुछ ब्लॉक जोन्स है जिसमें डी और ई ब्लॉक जोन्स है वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं और अभी नॉन डेवलप हैं। इसमें अगर आप परचेजिंग करते हैं तो वो आपको बहुत ही मिनिमम टाइम जोन सा 6 मंथ है और मैक्सिमम 1.5 ईयर तक आपको जोन सा बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इसमें जो 5 मरला की प्राइसेस हैं वो 65-70 की रेंज में आपको जोन सा प्लॉट मिल जाएगा इसमें, और 8 मरला जोन सा है वो आपको 85-90 की रेंज में जोन सा प्लॉट मिल जाएगा और अच्छी लोकेशन पे मिल जाएगा। इसको हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट काउंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म हम इस लिहाज से काउंट कर सकते हैं कि अगर आप इधर परचेजिंग करते हैं तो आपको मिनिमम जोन सा 6 मंथ के अंदर एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, और अगर आप लॉन्ग टर्म लाइक 1.5 ईयर तक अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो आपका ये जैसे ही डेवलप होगा एरिया ये आपकी जोन सा रिटर्न है वो आपको डबल मिलेगा। और अगर आप 8 मरला डेवलप एरिया ए और बी में अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन उसकी प्राइसेस जोन सी हैं वो 1 करोड़ 15 से लेके 1 करोड़ 20 की रेंज में जोन सा आपको अवेलेबिलिटी हो जाएगी। जो 5 मरला और 8 मरला जोन से प्लॉट्स हैं ये डी और ई ब्लॉक में, ये बहुत ही अच्छी लोकेशन पर अवेलेबल भी हैं। अगर कुछ क्लाइंट्स हमारे व्यूअर्स अगर कुछ इधर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो यही टाइम है इधर इन्वेस्टमेंट करने का। व्यूअर्स, इस सोसाइटी से रिलेटेड या ऑल ओवर पाकिस्तान में किसी भी सोसाइटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यही सेम नंबर मेरा ईमो और व्हाट्सएप पर भी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।